हेलो एवरीवन, हाउ आर यू? आमाजे आरती मल्होत्रा फ्रॉम ऑल इंडिया रेडियो न्यूज मीडिया 47 पर आप सभी का स्वागत करती हूँ तहे दिल से। स्वीकार कीजिए मेरा प्यार भरा नमस्कार। और दोस्तों, जैसा कि स्पॉटलाइट की सीरीज में आप जानते ही हैं, हम आपके लिए लेकर आते हैं कोई ना कोई खास शख्सियत जिनसे हम आपको रूबरू कराते हैं। और जो आज हमारे साथ मौजूद हैं स्पॉटलाइट की सीरीज में, वो बेहद खास है। खास क्यों है भाई? खास उनकी पर्सनालिटी है, उनका जादू है, उनका ऑरा है। वो जिस तरह से अपने ऑरे के साथ, अपनी पर्सनालिटी के साथ सभी का दिल लुभाती हैं, उससे एक अलग ही आभा निकल कर आती है। और जब वो लिखती हैं, उनके कलम का जादू जब चलता है, तो वो शब्दों में जान डाल देती हैं। जी हाँ, जो मकान को घर बना दे, जो जिंदगी में जान डाल दे, उसे ही कहते हैं शक्तिशाली नारी। और आज मैं स्वागत करना चाहती हूँ हमारे साथ न्यूज मीडिया 47 पर संजना कुमार जी का, जो कि ना सिर्फ एक खूबसूरत कवयित्री हैं, एक अहम शख्सियत है, एक वंडरफुल पॉजिटिव पर्सनालिटी है, बल्कि एक अपना ट्रस्ट भी चलाती हैं निशात नाम से, जिसमें वो बच्चों की और महिलाओं की सेवा करती हैं। तो संजना जी, सबसे पहले तो मैं आपका स्वागत करना चाहूंगी न्यूज मीडिया 47 पर। नमस्कार आरती जी, थैंक यू। और जैसा कि हमने बताया कि संजना जी, आपकी बहुत सारी क्वालिटीज हैं और आप बहुत खूबसूरत लिखती हैं, तो सबसे पहले तो लिखने के बारे में जानना चाहूंगी मैं। जी, मैं कुछ ऐसी बात नहीं है, एक आम इंसान जैसे सोचता है, और कभी कभी जैसे दिन प्रतिदिन हमारे जिंदगी में ऐसी कई घटनाएं हो जाती हैं, तो कोई सोचने को मजबूर हो जाता है और कुछ ना कुछ लिख डालता है। तो ये बिल्कुल ही आम बात है, और ऐसा मुझे अभी तक नहीं लगा कि मैंने कुछ बहुत ही खास लिखा है, बट कोशिश करती हूँ कि भावनाएं उभर कर आए लिखने में। जी संजना जी, पहले तो मैं अपने व्यूअर्स के लिए, जो भी हमारे साथ न्यूज मीडिया 47 की स्पॉटलाइट सीरीज में जुड़े हैं, उनसे मैं आपसे, आप ही के बारे में थोड़ा जानना चाहूंगी, और हम आपकी सभी प्रतिभाओं पर बात करेंगे, रोशनी डालेंगे, और ये भी जानना चाहेंगे कि एक हाउसवाइफ के तौर पर आपने अपने पैशन को और अपने सोशल वर्क को किस खूबसूरती से कैरी फॉरवर्ड किया। जी, अभी मैं बिल्कुल बैलेंसिंग एक्ट में हूँ, क्योंकि मेरी जरूरत मुझे अभी घर घर में ज्यादा लग रहा था जी। और अभी चूंकि बच्चों के इम्तिहान चल रहे थे बोर्ड, और कोरोना के वजह से मेरे घर में मेरे पति बहुत ही व्यस्त थे, तो फिलहाल तो मैं घर की तरफ ध्यान दे रही थी, बट लॉन्ग टर्म वी हैव स्टार्टेड अ प्रोजेक्ट एंड आई एम वर्किंग ऑन एक हमारा एनजीओ है, फैमिली एनजीओ है, तो उसे वो निशांत ट्रस्ट से के नाम से चलता है। तो हम लोग पुअर बच्चों के लिए, हम लोगों ने अपने नेटिव प्लेस में एक स्कूल चला रहे हैं हम लोग, जो कि पहले से शुरू किया था हमारे फैमिली ने, मेरे फादर लॉ ने शुरू की थी, तो उसे मैं कंटिन्यू करना चाहती हूँ, और डे टू डे वहाँ की एक्टिविटी में काफी इन्वॉल्व हूँ, और चाहती हूँ कि जो गरीब बच्चे हैं उन्हें अच्छी अंग्रेजी सीखने को मिले, उनको अच्छा इंफ्रास्ट्रक्चर मिले, प्ले फील्ड है और कंप्यूटर का नॉलेज हो, तो इन सब चीज़ों में मैं कोशिश कर रही हूँ, जो कि अभी मेरा वहाँ बहुत ज़्यादा जाना नहीं हो पाता, लेकिन आजकल थैंक्स टू इंटरनेट एंड दिस गैजेट्स एंड ऑल, थ्रू दैट आई कैन मैनेज, और मैं यहाँ से बैठे बैठे और उस ट्रस्ट के तहत मैं कोशिश कर रही हूँ कि महिलाओं को भी कुछ आत्मनिर्भर बनने की, उनको शिक्षा दे सकूं, और इसके तहत मैंने कुछ, हम लोगों ने वहाँ पे सिलाई मशीन का इंतजाम कराया है, और वो अभी वो काम चल ही रहा था, इस बीच ये हमारे एक नेशनल पैंडेमिक आ गई कोरोना, तो इस वजह से काफी कुछ उसमें बदलाव आ गया है, अभी बच्चे स्कूल नहीं आ पा रहे हैं जी। तो ऑनलाइन उनके क्लासेस हो रहे हैं, और लेकिन यही है कि बहुत
चूंकि वो बहुत पुअर बच्चे हैं, उनके पास वो स्मार्टफोन नहीं है, तो फिर उनको ऑडियो के थ्रू हो रहा है, कभी वो वॉइस रिकॉर्डिंग के थ्रू वो क्लासेस कर रहे हैं, और वन टू वन बेसिस पे बच्चों से हमारे जो शिक्षक गण है वो उनको कॉन्टेक्ट कर रहे हैं जी। और समाज में मतलब जितना भी हो सके एक हमें वापस जाना चाहिए, और जो भी हमने पाया है वो उन लोगों तक जाना चाहिए, ये हमारी कोशिश है जी। और जैसे कि आपने बताया कि आप इन बच्चों की मदद करती रहती हैं, इन महिलाओं की मदद करती रहती हैं, ये बहुत बड़ी बात है। और एक फैमिली एनजीओ, मतलब ये एक नया कॉन्सेप्ट जैसे हमने सुना, क्योंकि जब भी इस तरह की संस्थाओं की बात आती थी तो ज्यादातर यही सुनने में आता था कि भाई लोगों को जोड़ना है, रजिस्ट्रेशन कराना है, लेकिन ऐसा नहीं है। यानी कि अगर आपने समाज सेवा, सोशल वर्क के बारे में सोचा है, आप चाहते हैं कि आपको दीन दुनिया के बारे में कुछ करना है, तो उसके लिए आपको बहुत बड़ी इंफ्रास्ट्रक्चर की मेरे ख्याल जरूरत नहीं। ये फैमिली एनजीओ का कॉन्सेप्ट बहुत ही खूबसूरत है जी। और हमारी टीम भी है जो कि हमें मदद करते हैं, और हमने लोगों को वहाँ पे जो हमारे स्कूल के प्रधान अध्यापक हैं, प्रिंसिपल हैं, और हमारी सेक्रेटरी भी हैं, तो मैं उनके मदद से इसको चलाने की कोशिश करती हूँ। समाज का जो समाज की जो सेवा है वो हर कोई कर सकता है, मेरा यही कहना था। और हमारे पास जो भी कुछ है, जो हमने पाया है अभी तक, वो हर दूसरे तरीके से हम वापस दे सकते हैं, चाहे वो शिक्षा हो, चाहे आत्मनिर्भरता हो, या लोगों को अनएम्प्लॉयमेंट में हेल्प कर सकते हैं, उनको एम्प्लॉय करके उन्हें छोटी छोटी ही सही, बट अभी आप देख रहे हैं कि लोगों को कितनी जरूरत है आश्रय की और नौकरियों की, तो इन सब मुद्दों में अगर हमारे पास कुछ भी हो कैपेबिलिटी, तो हम चाहते हैं कि लोगों को हेल्प करें। बट ये हमारा जो भी काम है अभी बहुत ही छोटा है और बहुत ही इनिशियल स्टेज में है, तो अभी इस बारे में बस मैं इससे ज्यादा नहीं बात करना चाहूंगी जी। और सारी बात जैसा कि आपने कहा कि सोच की होती है, उस जज्बे की होती है, उस हौसलों की होती है जिस हौसलों से आप पढ़ते हैं। हमने कहीं सुना था वेयर देयर इज अ वुमन देयर इज अ मैजिक, तो जहाँ संजना जी हैं वो मैजिक कौन सा है? यानी कि मैं आपकी पोएट्री की बात कर रही हूँ, पोएट्री वाला मैजिक आप हमें जरूर बताएं जी। पोएट्री, मेरी पोएट्री भी मैजिक है, और मैं आपको बताऊं मुझे गार्डनिंग का भी बहुत शौक है, और प्लांट्स का मुझे बहुत ही ज्यादा क्यूरियोसिटी होती है, मुझे प्लांट्स को आइडेंटिफाई करने में बहुत मजा आता है। जब भी कोई नए पौधों को देखा मैंने तो उसकी नाम जानने की कोशिश करती हूँ, और नेचर से जुड़ी हूँ तो वो मेरे लिटरेचर में भी झलकता है। तो अगर आप सुनना चाहें अभी, बिल्कुल बिल्कुल, मैं फरमाइश करने वाली थी कि नेचर से ही पहले हम शुरुआत करते हैं जी। अभी दिल्ली में आपने देखा होगा काफी बारिश हो रही थी जी, जब स्प्रिंग आया था, स्प्रिंग की बिगनिंग में ही दिल्ली वाज रेनिंग लाइक एनीथिंग, तो हमें कुछ बुरा लग रहा था क्योंकि हमारे सारे फ्लावर्स भी खराब हो रहे थे, बट इसलिए फिर मैंने सोचा कि कुछ लिख ही देती हूँ। तो मेरा शीर्षक है हार्ट ऑफ द नेशन। इन मार्च व्हेन द कूल ब्रीज ब्लोज फ्रॉम द अपहिल एंड द वार्म एयर फ्लोज फ्रॉम द वेस्ट, People of Delhi are in full zest. The spring is in full swing with beauties abundant in bloom. But the snow-clad mountains send some rain and the withering flowers may bring some gloom. As you never know of this terrain, which turn it takes, as your destination is the heart of the nation. बहुत ही खूबसूरत, योर डेस्टिनेशन इज द हार्ट ऑफ द नेशन। और बिल्कुल ठीक कहा आपने, क्योंकि मैंने भी कहीं पर कुछ सुना था और किसी शायर ने बड़ी ही खूबसूरत एक बात कही थी कविताओं के बारे में, कि मेरी कविताएं मेरी बेटियों की तरह हैं, बड़े लाड से पाली हुई उन्हीं की तरह, मासूम खुश मिजाज बेपरवाह जमाने से और खुद मेली। क्या खूबसूरत सोच है, मतलब जहां ना पहुंचे कवि रवि वहां पहुंचता है कवि। जी। और ये मतलब चीजें जो है
ये इतनी पॉजिटिव चीजें हैं, और जैसे कि आजकल का टाइम है जो इसमें पॉजिटिविटी की बहुत ज्यादा जरूरत है, तो मैं आपसे ये बहुत जानना ज्यादा। चाहूंगी कि आपका तो एक खूबसूरत सा सफर है हाउसवाइफ का, हाउसवाइफ से एज अ सोशल वर्क और एज अ कवियत्री आप हैं, पोइटेस आप हैं, तो इस तरह से इसमें मैनेज किस तरह से करती है? और आजकल के टाइम में ये इतना इम्पोर्टेंट हो गया है बिकॉज लॉकडाउन की वजह से जहाँ सभी एक नेगेटिविटी में घिरे हुए हैं क्वारंटाइन के अंदर, सेल्फ क्वारंटाइन के अंदर और लॉकडाउन में, जी तो ऐसे में एक हाउसवाइफ का क्या स्ट्रेंथ होती है? जी हाउसवाइफ का रोल बहुत ही बड़ा है, क्योंकि अभी लोग लॉकडाउन है, स्टे होम स्टे सेफ, एंड होम एंड अपने एक हमें एक बहुत ही अच्छा, जब हमारे हम स्कूल छोड़ रहे थे तो हमारे प्रिंसिपल ने हमें कहा था, इनफैक्ट हमें एक बहुत ही अच्छा एक राइटअप लिख कर दिया था कि व्हाट डिफरेंस डज इट मेक वेदर यू लिव इन अ बिग सिटी और इन अ कम्युनिटी ऑफ होम्स, द रियल लाइफ इज विद इन, मीन्स ऑल द लाइफ इज विद इन अ हाउस। एंड अभी ये जो लॉकडाउन का है, कोरोना काल है, अभी जो कोरोना का वक्त है, इसमें घर की क्या वैल्यू होती है ये हमें बहुत अच्छे से सिखाया जाना है। सभी लोग कई लोग हैं। जी संजना जी, बहुत ही खूबसूरती से आपने सारी बातों को रखा और बताया, और यही खूबसूरती होती है एक लेखक की, एक कवियत्री की, कि जब वो बोलती है और जब वो अपने एहसासों के साथ अपनी कलम के साथ आगे बढ़ती है तो वो उसमें तूफान लेकर आती है। अब हम आपसे ये जानना चाहते हैं कि एक हाउसवाइफ का रोल ऐसे टाइम में, एक पेंडेमिक के टाइम में, जिस तरह का आप चल रहा है, लॉकडाउन है, सोशल डिस्टेंसिंग का पालन कर रहे हैं, सेल्फ क्वारंटाइन की बात हो रही है, एक अलग सी सिचुएशन है, और आपके ऊपर भी थोड़ा सा प्रेशर रहता ही होगा बीइंग अ वाइफ ऑफ अ ब्यूरोक्रेट। और मैं अपने व्यूअर्स को बता दूं कि संजना कुमार जी श्री संजीवा कुमार जी की धर्मपत्नी है, जो कि एक आईएएस ऑफिसर है, ब्यूरोक्रेट है, तो ऐसे में आपकी जिम्मेदारी शायद थोड़ी सी और बढ़ जाती है एक आम हाउसवाइफ की, अगर हम बात करें, क्योंकि वहाँ देश इन्वॉल्व हो जाता है, वहाँ के लोग इन्वॉल्व हो जाते हैं और वो प्रेशर शायद ज्यादा होता है। जी जी अभी हमारा हमारा देश क्या, पूरा विश्व एक नेशनल और इंटरनेशनल पैंडेमिक से गुजर रहा है, और अभी सबके रोल जो है काफी बहुत ही ज्यादा बढ़ गए हैं। और हम लोग और एक ब्यूरोक्रेट का रोल तो आपको पता ही है, जी जी वो उनको भी देश के लिए बहुत ही संलग्न रहना है बिल्कुल और काफी कुछ, हाँ, बहुत ही मेहनत करना है। तो हम लोगों का मॉरल सपोर्ट, और हम लोग तो लॉकडाउन है बट वो उन लोगों की अभी बिल्कुल ही दूसरी परिस्थिति है, और ज्यादा से ज्यादा उन्हें अपने वर्क प्लेस में रहना है, तो ऐसे सिचुएशन में हम लोगों की तरफ से एक मॉरल सपोर्ट की बहुत ही जरूरत होती है उन्हें, जो कि हम लोग ऐसा ऐसा करने की पूरी कोशिश करते हैं कि कोई अतिरिक्त तनाव ना हो, और इसलिए हमें अपने स्वास्थ्य की भी बहुत ही ख्याल और अपने घर के सारे सारे लोगों की और बच्चों के सबका स्वास्थ्य का ख्याल भी रखना है, और ये सोशल डिस्टेंसिंग का नॉर्म और हाइजीन का ख्याल रखना है। तो हेलो, आ जी रही जी आवाज? बिल्कुल 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 जी जी बिल्कुल ठीक कहा आपने कि, और ऐसे हाँ टाइम पर जो आपका रोल है वो अहम हो गया है, और क्योंकि सिचुएशन चाहे कितनी, जहाँ देश का सवाल होता है तो उन लोगों के लिए तो काम बल्कि दुगना हो चुका है। हम लोगों के लिए लॉकडाउन है, लेकिन जी हमारे ब्यूरोक्रेट्स, हमारे आईएएस ऑफिसर, हमारे गवर्नमेंट ऑफिसर्स, दे ऑल आर वर्किंग डे एंड नाइट, एंड डेफिनेटली यू आर द पिलर बिहाइंड दैट। अब मैं आपसे चलते चलते ये जानना चाहूंगी संजना कुमार जी, के कोई भी अगर राइटिंग को अपना पैशन के तौर पर आगे कैरी फॉरवर्ड करना चाहते हैं तो उसके लिए दो चार बातें आपसे रुकेंगे। जी, मैं ये जानना एक चाहूंगी कहा, आपसे कि अगर हेलो कोई राइटिंग को आगे लेकर चलना हेलो, चाहता है, जी आपको सुनाई दे रहा है? एक बार जी और रिपीट जी रिपीट मैं ये जानना चाहूंगी जी। कि अगर कोई अब राइटिंग को अपना पैशन बनाना चाहता है, उसके साथ बढ़ना चाहता है, तो उसके किन चीजों का ख्याल रखना चाहिए? जी, ये जो एक राइटर की क्वालिटी होती है वो एक संवेदनशील व्यक्तित्व की का एक उनका अपना एक सोच होता है, जिसका एक एक्सप्रेशन होता है,
तो सबसे पहले तो हमें काफी एक थिंकिंग पर्सन होना चाहिए और हर बातों को काफी गहराई से समझने की कोशिश करनी चाहिए। और हमारा जो लैंग्वेज का कमांड है, अगर हम अंग्रेजी माध्यम से लिख रहे हैं या फिर हिंदी में लिख रहे हैं, तो कोई भी हो लैंग्वेज, उसका कमांड होना चाहिए। और हमें ज्यादा से ज्यादा किताबें पढ़नी चाहिए और दूसरे लेखकों को भी समझना चाहिए। तो ऐसा करने से हमारा अपना जो स्किल है, राइटिंग स्किल, वो काफी एनहांस होगा और उसमें एक अच्छे व्यक्तित्व का निर्माण होगा। हाँ सम आएगा, तो उसका एक एक झलक आएगा। तो फिर पढ़ने वाले काफी उससे प्रेरणा ले सकते हैं। जी बिल्कुल ठीक कहा आपने संजना जी। और चलते चलते मैं आपसे आपकी एक आपने नेचर के ऊपर सुनाई थी, एक पोएम मैं जरूर आपसे एक और सुनना चाहूंगी जो चलते चलते आप जी हमारे व्यूअर्स के लिए जरूर सुनाएं। जी अभी अभी हमें मतलब ये हमारे लिए इतना चैलेंज का समय है, कोरोना का वक्त है, तो मैं कोरोना पे ही लिखा है मैंने कुछ। जी जी तो कोरोना और करुणा चारों ओर हाहाकार, आया है कोरोना काल, दुबक पड़े सब घर में आकर। और जो बेघर थे चल पड़े घबरा कर, कुछ भूखे पेट गए पटरी पर लेट, ना सोची ना समझी मालगाड़ी गुजर पड़ी घर घर आकर। देखो वक्त की चोट खाकर भाग रही मानवता, गरीबी कर रही हाहाकार, आत्मा निशब्द खड़ी हाथ जोड़कर, अब बस करो ये तांडव, थम जाओ महाकाल, जाग उठो तुम और ले आओ फिर से करुणा काल। बहुत ही खूबसूरत, ले आओ फिर से करुणा काल। और हमारी भी यही सारी शुभकामनाएं हैं और उम्मीद है कि जल्द से जल्द इस पेंडेमिक से हम लोग छूट जाएं, इस काल से हम निकल जाएं और अपनी आम जिंदगी को, अपनी खूबसूरत जिंदगी को जी सके। संजना जी, आप न्यूज मीडिया 47 के साथ जुड़ी रही, बनी रही, इसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। जी बहुत धन्यवाद। थैंक यू सो मच। तो मैं दर्शकों को बताना चाहूंगी, आज हमारे साथ ही संजना कुमार जी, जो कि ना एक खूबसूरत शख्सियत है बल्कि एक कवयित्री भी हैं और साथ ही समाज सेविका भी हैं। आप जुड़े रहिए स्पॉटलाइट की अगली सीरीज में, दोबारा होंगी आपके साथ किसी ना किसी नए मेहमान के साथ। न्यूज मीडिया 47 का साथ आप कभी ना छोड़िए और हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब भी कीजिए, लाइक भी कीजिए और फेसबुक पेज को फॉलो कीजिए। थैंक यू सो मच, मुझे दीजिए इजाजत, नमस्कार।